दक्षिण अफ्रीका में मिले ओमिक्रॉन वेरिएंट का कहर भारत में बढ़ता जा रहा है। भारत में ओमिक्रॉन के अब तक 78 मामले आ चुके हैं। ओमिक्रॉन के कारण भारत में तीसरी लहर आने की आशंका भी जताई जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर सावधानी नहीं बरती गई तो तीसरी लहर का खतरा है। इसे तीसरी लहर का खतरा इसलिए माना जा रहा है क्योंकि अब तक जिन देशों में ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं वहां संक्रमण तेजी से बढ़ा है। ब्रिटेन में बुधवार को कोरोना के 78,600 से ज्यादा मामले सामने आए। ब्रिटेन के अलावा यूरोप के कई देशों में भी मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओमिक्रॉन को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस ने कहा कि भले ही ओमिक्रॉन के गंभीर लक्षण नहीं है लेकिन ये तेजी से फैल रहा है, इससे अस्पताल में मरीजों के बढ़ने की आशंका है। इसी बीच महाराष्ट्र में जनवरी में ओमिक्रॉन की लहर आने का डर है। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के SDS डॉक्टर प्रदीप व्यास ने कैबिनेट मीटिंग में बताया कि राज्य में जनवरी में ओमिक्रॉन के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। चिंता की बात क्यों? ओमिक्रॉन के लेकर चिंता की बात यह भी है कि ये वैक्सीनेटेड लोगों को भी आसानी से शिकार बना रहा है। भारत में अभी तक ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं, उनमें आधे से ज्यादा ऐसे ही हैं जिन्हें कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। ऐसे में अभी तक यही माना जा रहा है कि ओमिक्रॉन वैक्सीन के असर को कम कर सकता है। तो क्या बूस्टर डोज की है जरूरत? ओमिक्रॉन से निपटने के लिए वैज्ञानिक बूस्टर डोज को जरूरी बता रहे हैं। यूके हेल्थ सिक्योरिटी एजेंसी की रिसर्च में आया था कि कोविशील्ड वैक्सीन की तीसरी डोज ओमिक्रॉन पर असरदार है और 70-75% इम्यूनिटी देती है। प्रसिद्ध वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर शहीद जामिल ने बताया कि दो डोज के बाद बूस्टर डोज एंटीबॉडी बढ़ाती है, साथ ही ओमिक्रॉन के खिलाफ भी प्रोटेक्शन देती है। उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा कि हमें नहीं पता कि दो डोज गंभीर बीमारी से कब तक बचाती है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत में जिन लोगों को अब तक कोविशील्ड की एक ही डोज लगी है उन्हें अब 12-16 हफ्तों की बजाय 8-12 हफ्तों बाद ही दूसरी डोज लगा देनी चाहिए। कोरोना और वैक्सीनेशन से जुड़ी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।